नगर निगम क्षेत्र के जवाहर नगर में बिना अनुमति के जियो टेलीकॉम द्वारा बिछाए जा रहे ऑप्टिकल फाइबर केबल को निगम जोन 2 कार्यालय की टीम ने जब्त किया है। आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर बिना अनुमति के फाइबर केबल बिछाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। वैशाली नगर जोन 2 क्षेत्र के जवाहर नगर शराब दुकान के सामने रोड में जियो कंपनी के द्वारा बिना अनुमति के ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही निगम की भवन अनुज्ञा जोन 2 की टीम राजस्व अमले के साथ मौके पर पहुंची। यहां ट्रैक्टर ट्राली में रखे जियो ऑप्टिकल फाइबर को ट्राली सहित तथा एक पानी टैंकर को जब्त किया गया। कर्मचारियों ने केबल बिछाने वालों से केबल बिछाने की अनुमति पत्र दिखाने को कहा तो उनके द्वारा गोलमोल जवाब देते हुए किसी प्रकार का अनुमति संबंधी कोई दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद कार्रवाई के लिए पहुंची निगम की टीम ने मौके से बिछाए जा रहे केबल के साथ अन्य सामग्रियों को जब्त किया। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम के प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने दी। निगम को सूचना प्राप्त हुई कि जवाहर नगर में वहां पे एक स्पॉट पे जियो कंपनी द्वारा अपना ऑप्टिकल फाइबर बिना अनुमति के बिछाया जा रहा है सड़क के किनारे किनारे खोद कर। सूचना प्राप्त होने पर दल बल के साथ वहाँ राजस्व अमला जोन 2 का और सभी कर्मचारी अधिकारी वहाँ पहुँचे। उनसे कंपनी के जो लोग प्रतिनिधि खड़े थे उनसे अनुमति का पेपर दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने अनुमति का पेपर नहीं दिखा पाया, इसलिए जो ऑप्टिकल फाइबर केबल था उसे ट्रैक्टर ट्राली से ही जब्त किया गया है। साथ ही उनके साथ एक पानी टैंकर चल रहा था उसको भी जब्त करके निगम ने अपने अधिपत्य में लिया है। कंपनी के लोग अगर आते हैं अपनी अनुमति दिखाते हैं तो रोड खुदाई का जुर्माना वसूल करके उसे वापस किया जाएगा, लेकिन अभी तक कंपनी ने संपर्क नहीं किया है। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी निगम क्षेत्र में अन्य टेलीकॉम सर्विस कंपनियों द्वारा बिना अनुमति बिछाए गए केबल गड्ढा खोदने की शिकायतें मिलने पर निगम की टीम सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई करने मौके पर पहुंची थी। गलत ढंग से किए जा रहे कार्यों पर शिकंजा कसने, मशीन आदि को जब्त बनाते हुए अर्थदंड भी संबंधितों से वसूला गया था। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।